पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मछरिया रेलवे स्टेशन के पास गागन नदी रेलवे पुल पर बीते कुछ दिनों पहले एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के तीन बहनों की एक साथ मौत हो गई थी। इस प्रकार के पहले भी कई गंभीर हादसे हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। ग्रामवासियों की जमीन नदी के दोनों तरफ है। मछरिया में पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज, त्रिवेणी इंटर कॉलेज भी है और बहुत से विद्यालय हैं। मुरादाबाद शहर से मजदूर भी मजदूरी करने आते जाते रहते हैं। ग्राम ईदनपुर नगला में प्राचीन धार्मिक स्थल होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, जिसके लिए दो दर्जन से ज्यादा गांव के हजार व्यक्तियों का मछरिया रेलवे नदी पुल से आना जाना रहता है, जिस कारण हादसे हो जाते हैं। लेकिन शासन व प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार राठौर के नेतृत्व में ज्ञापन के माध्यम से पुल निर्माण व पीड़ित परिवार को रेलवे विभाग से मदद दिलाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया गया। रेलवे स्टेशन मछरिया पे बीते गात 2018 अगस्त को एक ही परिवार की तीन बहनों की रेल हादसे में मौत हो गई थी। उससे पहले भी काफ़ी हादसे होते रहे हैं और उसके बाद भी हादसे होने की तमाम संभावना रहती हैं, क्योंकि दो दर्जन से भी ज़्यादा गांव का रास्ता उस रेलवे पुल के ऊपर से गुजरना है, ताकि हर समय मौत वहाँ समझ लीजिए खड़ी रहती है। और वहाँ पर धार्मिक स्थल है ईदनपुर नगला में, जो हजारों लोगों का आना जाना वहाँ रहता है, किसानों का आना जाना वहाँ रहता है, छात्रों का आना जाना वहाँ रहता है। त्रिवेणी इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज और भी तमाम स्कूल हैं जो रेलवे पुल से लोग गुजरते हैं। तमाम ऐसे मजदूर उन गाँव के मुरादाबाद के लिए ऐसे गुजरते हैं कि वो मौत के ऊपर गुजरते हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि वहाँ पर एक पुल निर्माण जो कि बनवाया जाए, ताकि उन लोगों की जानों को बचाया जा सके। अब ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो, इसलिए हमने डीएम साहब के माध्यम से माननीय रामविलास पासवान जी को और जो पीयूष गोयल जी रेल मंत्री जी को, डीआरएम मुरादाबाद को, जिलाधिकारी मुरादाबाद को, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को ये हमने ज्ञापन भेजा है। इससे पहले भी अधिकारियों को आपने अवगत कराया था? इससे पहले हमने अधिकारीगणों को अवगत कराया था और उसके बाद सभी अधिकारी को पता है। जब हादसा हुआ था तो सभी अधिकारी रेलवे स्टेशन मछरिया पहुंचे थे। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको पता ना हो। उसके बावजूद भी मैंने अपने खाद्य व उपभोक्ता मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी को दिया, उन्होंने अपने बेटे सांसद चिराग पासवान जी संसदीय बोर्ड अध्यक्ष को दिया, उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को दिया। वो जाँच अभी तक प्रक्रिया में चल रही है, कुछ जाँच हो भी चुकी है, कुछ अभी बाकी है। हमने करीब 3 घंटे तक जांच में हम शामिल रहे और हमने बताया भी, उनका सहयोग भी किया और आगे आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि पुल निर्माण जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये अधिकारियों का आश्वासन है। अभी हम डीआरएम साहब से भी मिलेंगे और ये कॉपियाँ अभी हम भी भेजेंगे, जिलाधिकारी माध्यम से भी कॉपी जा रहे हैं।